नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग बच्चों, तो आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी सीखने वाले हैं और कहानी से हमें एक बोध भी लेना है। ओके, चलो कक्षा तीसरी का बच्चे को दूध मिला, यह हमारे कहानी का नाम है। देखो, एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। सभी बच्चे दूध पीते हैं, सभी को दूध बहुत पसंद है। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढक कर रख दिया था। बच्चे ने दूध नहीं पिया, वैसे ही सो गया था, इसलिए उसकी माँ ने दूध ढक कर रख दिया साइड बाजू में। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था, वह अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उल्टा हो गया। अगर बर्तन उल्टा हो गया तो दूध थोड़ा ही नहीं बचा, पूरा फैल गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा। घर में दूध तो नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ दौड़ कर दूध लाने गया। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया। ऐसे ही दूध मिलता है ना, बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देंगी, दूध मैं बच्चों को दूंगा, बच्चा हंसने लगेगा। देखो घास क्या बोलता है, घास मैं कहाँ से दूँ, मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुँचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले, पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दे। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगा और तुम्हें हरे भरे हो जाओगे, तुम हरे भरे हो जाओगे। देखो, पेड़ ना होने की वजह से नदी में पानी नहीं है, पर्वत ने नदी को पानी नहीं दिया, पानी नहीं, इसकी वजह से पूरा मैदान सूख गया, घास नहीं तो गाय सूख गई तो दूध नहीं मिला। पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भरी, उसने मैदान को पानी दिया, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया, दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चों को पिलाया और बच्चा भी हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। इतनी अच्छी कथा है, कहानी है। देखो, पेड़ ना होने की वजह से कितना सारा हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इंसान ने बहुत सारे पेड़ काट लिए, इसलिए नदी में पानी नहीं है, झाड़ नहीं है, पौधे नहीं है, घास नहीं है, घास नहीं है तो गाय सूख रहे है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़